अगर आपका बजट भी है कम और एक आप कम बजट में अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपके सपनों को साकार करेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निसान मैग्नाइट की। देख सकते हैं आप, ये गाड़ी है निसान मैग्नाइट, जो कि बहुत ही कम बजट में आ जाती है। सारी डिटेल दूंगा आपको। ये है निसान मैग्नाइट का बेस वेरिएंट यानी XE, जिसको वैल्यू फॉर मनी भी बोलते हैं। देख सकते हैं आगे से इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा है। फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखती है और कहीं से कहीं तक आप इसको देखेंगे तो आपको ये बेस का फील नहीं कराएगी। वो किस लिए, वो मैं बताऊंगा आपको। फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपकी हेडलाइट आ जाती है, जो कि ये हेडलाइट और यहाँ पे इंडिकेटर आ जाते हैं। क्रोम का वर्क पूरा दिया गया है गाड़ी में, हेडलाइट पे, बम्पर पे, ग्रिल पे, हर जगह दिया हुआ है। फॉग लैंप की बात करें तो फॉग लैंप आपको यहाँ नहीं मिलती है और ना ही कोई DRL मिलते हैं, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है मैग्नाइट का XE। बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 205 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। व्हील बेस की बात करते हैं इसके, तो 2500 mm का इसका व्हील बेस आ जाता है। अंदर से चल के देखते हैं अब गाड़ी को। कुछ इस तरह से अंदर का इंटीरियर आपको दिखता है। ABC पैडल आपको मिल जाते हैं, डेडिकेटर पैडल आपको नहीं मिलती है, डेड पैडल। और इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें नहीं आता है, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। विंडो की बात करते हैं तो इसमें चारों पावर विंडो आ जाते हैं आपके, और सभी विंडो में अलग से भी आ जाते हैं इसके ऑन ऑफ करने के। और चारों विंडो के साथ साथ यहाँ पे और ये पीछे के विंडो लॉक अनलॉक के बटन आ जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका मैनुअल AC आ जाता है, जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है इसमें। ये एडजस्टमेंट के लिए, ये कूलिंग का और ये AC का बटन आ जाता है। और यहाँ पे ये डिफॉगर, ये हजार्ड और ये बूट लॉक अनलॉक का बटन आ जाता है। AC के वेंट में भी आपको क्रोम का वर्क मिलेगा। डुअल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है पूरा गाड़ी का, देख सकते हैं आप, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। अब चाबी को लगाते हैं और देखते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है हमारा MID। ये आपका टैकोमीटर, स्पीडो और रेंज आ जाती है, और यहाँ से ये आप चेंज कर सकते हैं। और बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता आपको। दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पे, हाँ भाई, वैनिटी मिरर आ जाता है इसमें। इसको बंद कर देते हैं। और लाइट की बात करते हैं तो आपको 3 लाइटें मिल जाती हैं, लेफ्ट, राइट और ये मिडिल से 3 ऑन हो जाएंगी। और यही नहीं, इसके साथ इसमें एक और लाइट देखिए बीच में दे रखा है, जो कि कुछ ऐसे ऑन होती है। बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स इसका काफ़ी डीप है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे स्पेस फ़ोन रखने के लिए, एक और स्पेस यहाँ पे मिल जाता है आपको, उसके साथ 2 कप होल्डर और ये पीछे भी फ़ोन रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए सामान मिल जाता है। गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है, आगे की बात करें या पीछे की, कहीं से भी स्पेस की कमी नहीं है। 2 एयरबैग के साथ ये गाड़ी आती है, एक यहाँ पे और दूसरा को ड्राइवर के साथ ये यहाँ पे।
सेंट्रल लॉकिंग इसमें नहीं आती है, ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है आरडी की गाड़ी में। पीछे की बात करते हैं, चलिए मैंने सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है, पीछे देखते हैं। अब पीछे की बात करें तो हाँ, सीट काफ़ी चौड़ी है। हाँ, और इसके हेडरेस्ट चारों मिलते हैं और चार के चारों एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं चारों। अब यहाँ बैठ के देखते हैं, लेग रूम काफ़ी अच्छा है, मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, उसके बाद भी इतना गैप बच रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी इसका अच्छा है। और ये हुई कुछ अंदर के प्रोफाइल। हाँ, और ये डोर हैंडल भी मिल जाते हैं आपको, तीन मिल जाते हैं, ड्राइवर के पास नहीं होता है, जो कि किसी गाड़ी में नहीं होता है। रियर की बात करें तो रियर लुक इसका कुछ इस तरह से आ जाता है, देख सकते हैं आप। रियर में आपको शार्पन एंटीना और स्पॉइलर और रियर वाइपर, जो कि बेस मॉडल से ही इसमें आता है, और डिफॉगर, हाँ डिफॉगर भी इसमें मिल जाता है आपको। और बूट के लिए रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है यहाँ पे। बूट की बात करें तो 336 लीटर का इसका बूट आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये हुई पीछे की प्रोफाइल, पीछे से गाड़ी देखने में कुछ ऐसे दिख जाती है, निसान की बैजिंग। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर का इसका टैंक आ जाता है, जो कि पेट्रोल में होती है गाड़ी ये। रूफ रेल भी आपको मिल जाती है गाड़ी में। कुल मिला के गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। और चलिए अब इसको इसके इंजन के दर्शन कराते हैं आपको, इंजन खोल लेते हैं। कुछ यहाँ से खुलता है इसका इंजन, कुछ इस तरह से इसका इंजन आ जाता है, जो कि 1 लीटर में नेचुरली सैचुरेटेड इंजन है इसका, विद एबीएस सिस्टम के साथ है, जो कि 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और 71 BHP की पावर देता है इंजन आपको। इंजन को करते हैं बंद। सिर्फ यही एक चीज़ है जिसकी वजह से आप इसको जज कर पाएंगे कि ये बेस वेरिएंट है। इसके ऊपर के वेरिएंट में इंडिकेटर यहाँ पे नहीं बल्कि मिरर पे आ जाते हैं, और बाकी गाड़ी आप आगे से पीछे तक कहीं से भी देखेंगे तो आपको बेस का नहीं फील कराएगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेंथ की बात करें तो 3994 mm इसकी लेंथ आ जाती है, हाइट 1572 mm और विड्थ इसकी 1758 mm की विड्थ आ जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 205 mm है, जो कि मैं बता चुका हूँ। कंपनी जो क्लेम करती है इसका माइलेज, ये 18.75 का KMPL का माइलेज क्लेम करती है, जो कि देती है गाड़ी 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है गाड़ी अच्छे से आप चलाएंगे तो। 5 स्पीड ट्रांसमिशन साथ आती है गाड़ी, और इसका बैक गियर लगाने का सिस्टम कुछ ये पुल करके है, इसको ऐसे करके लगाएंगे आप तो ही इसका बैक गियर लगेगा, ये खींच के। और इसमें एक चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी लगी मुझे, जो कि वो इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो बताऊंगा आपको। वो ये है कि जैसे हम चाबी को लगा देते हैं, और जैसे मैंने ये डिफॉगर है इसको मैंने ऑन कर दिया, लाइट जल गई, हजार्ड के जल लाइट जला वो भी जल गई, और ये बूट लॉक अनलॉक का है, इसका भाई कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है गाड़ी में, आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है आपको। ये कंपनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये बाहर से इसमें सेंट्रल लॉकिंग लगी है, उसके बाद भी इसमें नहीं लग पाया है, सारे चारों विंडो में लग गई है पावर विंडो,
सॉरी सेंट्रल लॉकिंग, लेकिन बूट में नहीं हो पाया है क्योंकि, और मान लीजिए कंपनी ने यहाँ पे इसके मिरर का दे रखा है, जब हम मिरर लॉक अनलॉक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखता है मिरर अनलॉक्ड मिरर लॉक्ड, बट इसका कहीं पे भी कोई लाइट भी नहीं जलती यहाँ पे। आपको पीछे जाके चेक करना पड़ेगा बूट अनलॉक हुआ या नहीं हुआ हमारा। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। बताइए आपको कैसी लगी गाड़ी, धन्यवाद।